kids! A very warm good evening. Can you all hear me and see me? A very warm good evening, my lovely Bartonians, mere pyare mascots, mere pyare pyare bachcho. Good evening. Welcome to the entire sprint revision of class 11th in one shot. Last time, maine aapko one page handmade notes banwana shuru kiya and then I realized कि क्यों ना वाली मैम ही मेहनत कर ले और वाली मैम ही आपको हैंडमेड नोट्स बनाकर दे दे जिनका पीडीएफ अपलोड कर दे. सुबह वाले नोट्स का पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज वाले नोट्स का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इससे एक्चुअली एक तीर और दो निशाने हो जाएंगे. एक डेफिनेटली आपको हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे. यू डोंट हैव टू कॉपी डाउन. वेरी वेल रिटन स्मॉल सिंपल शॉर्ट हैंडमेड नोट्स. सेकेंड, उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं आपको एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन कराऊंगी. सो देयर इज गोइंग टू बी वन पेज नोट्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू. इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच करवा दिया. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आप लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए. आई विल शो यू. यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन देयर. सेकेंड, आई विल डू एमसीक्यूज. और एमसीक्यूज कैसे करेंगे? एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो दैट इवन इफ यू आर डूइंग देम एट अ लेटर स्टेज, आप खुद से कर रहे हैं कभी दोबारा कर रहे हैं, तो आपके पास हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी हो. इज इट नॉट सोने पे सुहागा? तो इसी सोने पे सुहागा के लिए एक हार्ट और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. डन मेरे बच्चों, क्लास 11th वालों. तो आपका अगले वन वीक 10 डेज में मैं 11th रिवाइज कर दूंगी. उसके बाद डोंट यू वरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोबारा से क्लास 11th भी स्टार्ट करवा दूंगी. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. कल मैं लॉन्च कर रही हूं बोर्ड सीरीज. तो बोर्ड सीरीज में क्या होगा? एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में कैसे आएंगे? एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो कैसे कराई जाएंगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे कराए जाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बाद मॉक टेस्ट पेपर्स कैसे कराए जाएंगे? सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? द लॉन्च ऑफ द क्रश इट बोर्ड्स फॉर 2021. हैप्पी? पक्का? प्रॉमिस? क्रश इट बोर्ड सीरीज का लॉन्च है आज शाम को 9 o'clock. मेरे 11th के बच्चों, क्या आपके पास फ्रेंड्स हैं क्लास 12th में? Yes, this is the time that we Biotronic and Mani Ma'am needs your love and support. क्या आपके पास friends हैं class 12th में? class 11th वाले बच्चों, तो क्या आप अपने सारे class 12th के friends, जो बच्चे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे इस साल सारा टाइम घर पे बैठे हुए थे, जिनके पास there was no place to go and study, whose parents could not afford big, you know, coaching institutes, their parents' businesses failed, can you tell them about the Crush It Board series that we've got for 2021? Promise? Yes? Can I depend on you? Can I fall back on you, my lovely kids? You're right. So the Crush It Board series is for class 11th Vikas Dogra. Class 12th ke liye na 2021 mein to class 11th ka time hai 5 p.m. Right? So aapki jo board series hogi, jo bhi hogi, wo 5 p.m. hogi. 2021 ki series hai ye. Right to 2021, that means जो बच्चे अभी class 12th में हैं, I'm going to see you sharp at 9 p.m. Is that fine, everyone? Okay. Why not? Thanks, Deepak Navek. और कल आज के super duper successful class के बाद कल मैं one shot of reproductive health आपको करवाने वाली हूँ. So what are we going to do tomorrow morning? We're going to be doing reproductive health का one shot. इसमें मैं आपको पहले one page के notes दूंगी, जैसे मैं अभी करवाऊंगी. And these notes का PDF will be attached in the description box. आपको MCQs और explanation मिलेंगे. Yo everybody, start करते मेरे बच्चों class आज की. राइट, चले आगे. कैन वी स्टार्ट आज की सुपर डुपर धमाल क्लास? चलिए, नेक्स्ट लेवल अमेजिंग एपिक परफेक्टो द जिलेटो. यस, मैं इस बार बैंगलोर गई थी तो वहां पे एक आइसक्रीम होती है, एक स्पेशल आइसक्रीम, उसको जिलेटो कहते हैं. तो मैं कहीं पे जा रही थी तो मुझे ऐसे जिलेटो कॉर्नर नजर आया. मुझे आप लोगों की इतनी याद आई क्योंकि मुझे याद आ गया परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो. यस, चलो. तो बेटा कल वन शॉट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाऊंगी मैं आपको. बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट. यू राइट एवरीबॉडी, देखो लिविंग वर्ल्ड पूरा 11th रिवाइज हो जाएगा. 12th वालों आप भी अटेंड करो. दिस शुड बी फॉर बोथ. स्प्रिंट रिविजन शुड बी फॉर बोथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाऊंगी. यस एवरीवन, डन है जी. एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज बोर्ड्स 2021. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. डन, तो आगे बढ़ते हैं गाइस. इसी बात पे हो जाए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब. राइट एवरीवन, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब. ओके,
गाइस बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन आप लोग करोगे सो दैट यू कैन स्टे इन टच विद मी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बड़ा जरूरी है कि आप बायोटॉनिक फॉर नीट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो. अगर आपको टॉपर्स बनना है यू हैव टू स्टे इन टच विद योर टीचर्स एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू ज्वाइन द बायोटॉनिक टेलीग्राम ग्रुप. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेंटीमीटर. तो ऐसे करके मेंटी के एक विंडो ओपन करेंगे मेरे सारे चुनुनु गैंगस्टर्स. www.menti.com आज हीटर ने मुझे गिराना था, ये से बड़ा नालायक हीटर है, हाथ मेरे दांत तोड़ने थे अपने. यस और मेंटी का हमारा कोड है लिखिए 9583127. चलो 9583127 आ जाइए. चलिए 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 जल्दी कीजिए. ऐसे आपने ओपन किया विंडो तो आप यहां पे लिखेंगे 9583127 एंड से सबमिट. सिंपल, दैट्स इट, ज्वाइन द क्विज. चलो राइट, बट इससे पहले ये आपने ज्वाइन कर लिया, इससे पहले मैं आपको थ्योरी करवा दू, है ना, थ्योरी करवा दू फटाफट से 10-15 minutes, राइट. हैप्पी मेंटी है ताकि इधर उधर ऐसे भाग ना जाओ, फटाफट से थ्योरी करवा दू. यस, बहुत 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 फीलिंग आएगी. वन पेज के नोट्स है, आप प्रिंट आउट लोगे ना आपको ऐसा प्रिंट आउट मिल जाएगा, ये देखो खत्म. ऐसा एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिएगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मतलब आपको फील आ जाएगी यार, आप कहोगे मैम दिस इज द बेस्ट. ऐसे आपके पास 25-30 पेज 11th के, 20-25 पेज 12th के, फिनिश ओवर एंड आउट, कुछ भी करना नहीं है आपको और डन शिल्पा, कुछ भी नहीं करना. ये देखो, और इन पे भी मैं मार्किंग करवा दूंगी, जैसे आपको लेक्चर मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, जो जो मार्किंग मैंने कराई है वो मार्किंग आप कर लेना, एमसीक्यू सॉल्व करना ना, चैप्टर सील हो जाएगा, सील अमेजिंग लेवल पे सील हो जाएगा. चलो फिर चक दे फटके, लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे बच्चों. सबसे पहले, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस एंड एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Characteristics of living organisms is an MCQ question. Characteristics पे हर दूसरे साल, हर तीसरे साल एक MCQ question आता है. Growth, reproduction, इसके exceptions आपको पता होने चाहिए. Mule, worker भी इसका important बहुत MCQ है. Growth जो है वो non-living भी करते हैं, उसको accretion कहते हैं. ये आपके mental दिमाग में चलना चाहिए, ये notes में नहीं होना चाहिए. हर एक चीज notes में नहीं लिखनी तो notes इतने बड़े हो जाएंगे. राइट, ये आपके मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन आती है नालायक बच्चों, राइट, अबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. मेटाबॉलिज्म both breakdown, catabolism, makeup, anabolism, cellular organization and consciousness. Teen hai. Metabolism, cellular organization and consciousness are defining properties. MCQ. Living organisms sare self-replicate karte hai, evolve karte hai, self-regulate karte hai aur interactive systems mein hote hai. Consciousness ka to matlab hi ye hua na, that they are able to respond to external stimulus, right? One second, I'll just drink a glass of water. Okay. The term which is used to refer to the variety of microorganisms, plants and animals. Kya kehlata hai? Yes, biodiversity. Yes. No, Amar, आप ज्यादा लेट नहीं हुए. बेटा, दीज नोट्स आर गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग. लास्ट में आपने सिर्फ जो कहते हैं ना एग्जाम से पहले फ्लिप करो, ये वो फ्लिप करने वाले नोट्स बन रहे हैं आपके, और इसके बाद इमीडिएटली एमसीक्यूज करेंगे. फ्लिप नोट्स,
What is the need for classification? The need for classification, first of all, आपके answer में word organized होना चाहिए. Vast number of animals, plants को organize करोगे and you're going to put them in categories जहाँ पर उनका nomenclature कर सको, आप उनको remember कर सको, आप उनकी phylogenetic studies कर सको और उनको understand कर सको. So number one is organized and second is nomenclature, that is naming. Done. Plant anatomy भी complete करवा दूँगी, plant morpho भी complete करवा दूँगी. Tension मत लो. डन. मॉर्फो एनाटॉमी दोनों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लो. आ जाओ साइनॉप्सिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट. थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने बनाया था, मैं आपको ऐसे हैंडमेड नोट से कंप्लीट करा दूंगी, टेंशन लेनी नहीं बेटा. बायोटॉनिक पे आयो, आपकी बायो की सारी प्रॉब्लम खत्म, वादा है, प्रॉमिस. दिल से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, इंजॉय करो क्लास, ध्यान दो ताकि इसके बाद फटाफट आने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करो. हैप्पी गो लकी. आ जाओ कॉल वॉइस. Three domains, MCQ, 1990, who also proposed the six kingdom classification, MCQ. Teen domains kya hai? Archaea, bacteria and eukarya. Ye teen domains of life hai. Very important. Taxonomy, inki definitions pe bade questions aate hai, inki definitions overlap karti hai. Theek hai? PDF will be given description box mein, har ek session ka. Principles and procedures of identification, nomenclature and classification. Identification, nomenclature, classification के principles को क्या कहते हैं? Indian National Congress की study को क्या कहते हैं? INC, identification, nomenclature, classification की study को क्या कहते हैं? Taxonomy. Based on diversity and relationship. Doctor साहब कौन हैं? Diversity और relationship की studies. डाइवर्स सिस्टमैटिक्स. डॉक्टर साहब कौन है? कौन? डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप की स्टडीज. सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, आईडी, डी आर आर आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर स्टडीज, राइट? इंडियन नेशनल कांग्रेस आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर की क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी, डी आर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप्स की स्टडीज. किसने बताई? सिस्टमैटिक्स. द टर्म वॉज प्रपोज बाई कैरोलस लिनियस, एमसीक्यू. Linnaeus ने ही बुक लिखी Systema Natura, MCQ. That all the members जो interbreed कर सकें freely, MCQ belong to the same species. There was a scientist जिनका नाम था Ernst Mayr. Ernst Mayr. दो मिनट में MCQ स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा. इन्होंने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था MCQ. कैटेगरी यूनिट क्या कहलाती है? टैग्जा, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी. जो लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स पे ऊपर चले जाते हैं या नीचे आते हैं. स्पीशीज से शुरू करेंगे तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड किंगडम. किंगडम से शुरू करेंगे, लोअर लेवल पे जाएंगे. फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दे आर रेफर टू एज द हायरार्की, ऑर्डर. यस, Ernst Mayr is an MCQ question, Order is an MCQ question, Taxa is an MCQ question, Carolus Linnaeus is an MCQ question, Interbreeding is an MCQ question, Definition of Taxonomy and Systematics is an MCQ question, Carl Woisch is an MCQ question, Three Domains are an MCQ question, Six Kingdoms of Classification is an MCQ question. Done? Happy? Is this better? बेटा मैं सच बता रही हूँ, सारा दिन रात एक ही काम होता है यार, बायोटॉनिक पे कैसे पढ़ा दो, कैसे बढ़िया कर दो, कैसे बच्चों को नई नई चीजें पढ़ा दो, प्रॉमिस. राइट, मैं तो यार लिख रही हूँ, मैं भी लिख रही हूँ, बच्चों को ऐसे दे दो ना, बच्चों को ऐसे दे दो, ये देखो टाइप हमने किया है, और बच्चों को पीडीएफ दे दो, कितना ऑसम हो जाएगा. साथ में एमसीक्यू करा दो, एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन दे दो. यस, मतलब ऑसम लेवल हो जाएगा. हम आधे टाइम में एक एक दिन में एक एक चैप्टर कर पाएंगे विद एमसीक्यू एंड एक्सप्लेनेशन. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस. एक जेनेरिक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है एमसीक्यू. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स, आईसीबीएन. Of zoological nomenclature, right? Rules पे MCQ आते हैं. Latinized name, पहला क्या है binomial nomenclature में? Genus. दूसरा क्या है? Species. है कि नहीं है? Italics में printed होते हैं. अगर handwritten है, if handwritten, उनको underline किया जाएगा separately. एक line नहीं डाल सकते panthera tigris के नीचे एक line. No, separate. Next level amazing Amar. First word starts with capital letter, MCQ. Species name is always written in small letter, MCQ. First word starts with capital, species को आप हमेशा छोटे में लिखेंगे.
स्पेस अलग से अंडरलाइन करेंगे, होमो सेपियंस लिखा होता अगर मैंने हैंड रिटन तो अंडरलाइन करते हैं। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगिफेरा इंडिका, ट्राइटिकम एस्टिमम, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ट्राइटिकम एस्टिमम। थोड़ा सा टैक्सोनॉमिकल एज के बारे में आ जाए, बारी में ओपी ओके okay. आज मैं सोच रहा हूँ एक रील बनाऊ, बड़ा बड़े दिन से मेरा मन है, वो कैमरा वाली रील नहीं होती राइट right? क्योंकि सुबह कोट ऐसे करो, कोट डाल लो एक कोट, फिर कोई और कोट डाल लो, सारा दिन इसी में गुजरता है, फिर कोट डाल लो, फिर कोट डाल लो, फिर कोट डाल लो, पार्टी में डालो तो जैकेट डाल लो। यस मेरा बड़े दिनों से मन है, सिर्फ मैदान तो टी शर्ट बदलते रहो। यस ओपी बच्चों आ जाओ, टैक्सोनॉमिकल एज पर बेटा पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, थोड़े दिन और अभी पढ़ाई, चलो कम बैक टू द क्लास फुल ऑन जोश एनर्जी, 30 एमसीक्यू सॉल्व करने पूरे जोश से, और ऐसे ही रोज। अगर मान लो आपको मेरे फोटोसिंथेसिस के वन पेज नोट्स, रेस्पिरेशन वन पेज नोट्स सबके, उसी दिन शाम को एमसीक्यूज भी कर लेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, टूल्स एमसीक्यू, म्यूजियम ड्राई एंड स्टफ्ड ऑर्गेनिजम्स राइट, स्केलेटन म्यूजियम एमसीक्यू, स्टफ्ड एनिमल्स आपने कितनी बार देखा है एमसीक्यू, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस, आपको म्यूजियम में इंसेक्ट्स पिंड भी नजर आएंगे, पिंड जूस, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, हर्बेरियम एवरी सेकंड ईयर क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया था, 2016 के पेपर में, हर्बेरियम ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट, ड्राई करके प्रेस करके, वेरी शीट्स पे, यस फ्यूचर यूज के लिए अच्छे से उनको लगाकर, रॉयल बोटानिकल गार्डन का है क्यू इंग्लैंड, बोटानिकल गार्डन जहां दुनिया भर से लाके पेड़ पौधे उगाए जाते हैं राइट मेरे बच्चों, यस नेशनल, ये तो हमने कल किया था ना, किस किस फॉर्म में किया था, परसों एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट बॉटनी टेस्ट में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च एनबीआरआई लखनऊ, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, कंप्लीट बॉटनी वाले टेस्ट में था। कीज हमेशा दो होंगी, वन विल लीड अस टू द राइट वन राइट, प्लांट्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, टू टाइप्स होती है सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे होती है। अभी मान लो वाली मैम को आइडेंटिफाई करना है, टॉल है कि ड्वार्फ है, ये टॉल है या शॉर्ट है, कर्ली हेयर है या सिल्की स्ट्रेट हेयर राइट, सो देयर विल ऑलवेज बी टू डिफरेंट टाइप्स राइट, कपलेट्स कहा जाता है, ब्रैकेटेड की आर टू ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट, हर एक तरफ जहां आप जाओगे टॉल है ठीक है, कर्ली बाल है ठीक है, तो एक एक तरफ जहां पे आप जाओगे दैट इज रेफर टू एज अ लीड एमसीक्यू। एक एरिया में कितने प्लांट्स हैं, फ्लोरा उस एरिया का जो पूरा उन्होंने मुआयना किया है, दे फाउंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, सो दे इंडेक्स्ड ऑल द प्लांट्स व्हिच आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इट इज रेफर्ड टू एज फ्लोरा। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, मैन्यूअल्स राइट, इट्स अ हैंडी बुक, छोटी सी बुक होगी, मोनोग्राफ्स, मोनो का मतलब होता है वन, तो किसी एक टैक्सोन पर जो सारी इंफॉर्मेशन है उसे कहा जाएगा मोनोग्राफ। नाउ टेल मी विद अ हार्ट एट अ लाइक हाउ इज द रिविजन, विद अ प्यारा सा हार्ट ऑन द स्क्रीन, हाउ इज द वन पेज रिविजन। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल के दे दूंगी। मैन्युअल होता है एक के लिए। अब एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन पे आए, एक तरह से आपकी नजरों के सामने पूरा चैप्टर दौड़ गया है। गाइस अगर आप अपने नोट्स खोल के बैठोगे तो आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। ये मुश्किल टॉपिक्स हैं और इनको रिवाइज करने का हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है राइट। क्लास 11 के बच्चे तो आप हो, अगर आपका मन करे फिजिक्स केमिस्ट्री हमसे पढ़ने का तो वीडी प्रो कोड लगाकर हमारी क्लासेस में भी आ जाना। पर अब पहले मेरे साथ भाग चलो मेंटिम जी पे, चलो आ जाओ। Yes, चलो जल्दी से, कहां गया जी मेंटी जी, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं राइट। बड़ा फील आने वाली है, मुझे तो ऑलरेडी फील आ गई है राइट, कि अभी तो मतलब ऑसम लेवल की फील आएगी राइट। चलो डन, आ गया मेंटी, पूरा रिवाइज कर लिया हमने, कोड हमारा है 9583127, सारे बच्चे आ जाए, मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ, 9583127 सारे बच्चे। कोई नया बच्चा है, मेरा ब्रांड न्यू बच्चा, तो आप menti.com विंडो खोलिए बच्चे,
menti.com और उस पे कोड लगा दीजिए. चलो यस परफेक्टो फुल जोश में. थैंक्स दिव्या उदासी. आज किस बच्चे का बर्थडे है? मेरे कौन से प्यारे बच्चों का बर्थडे आज? ऑसम. यस गाइस, अगर आपने अपने नोट्स ओपन करके बैठने बच्चे क्लास में, अभी हम मतलब थोड़ा सा ना यार अग्रेसिव पढ़ाई करेंगे. पढ़ाई तो हम हमेशा करते हैं, पर हम थोड़ी सी अग्रेसिव पढ़ाई करेंगे. हमने अगले हफ्ते 10 दिन में फुल 11, 12 रिवाइज कर लेना है, रोज का एक एक टॉपिक करके. डन? ठीक है, चले. विकास कैटलॉग्स आर बेसिकली मैन्युअल्स विद फोटोग्राफ्स, राइट? इट्स बेसिकली लाइक 2-3 लाइंस अबाउट समथिंग एंड देन मोर ऑफ फोटोग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पीशीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट्स कॉल्ड अ कैटलॉग. Right? It's more of graphical, visual graphics in the catalog. ठीक है? चलिए. Starting in 5, 4 मेरे बच्चों. मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस, मेरे से कौन पूछ रहा है बेटा, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंस बताती हूँ. क्लासिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी. सीएनटी क्लासिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी माइनस सिस्टमैटिक्स. यू आर नॉट गोइंग टू नेम इट ऑल. टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी माइनस सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू, राइट? सिस्टमैटिक्स वो है, मतलब आपने इस सिस्टमैटिक्स में आप क्या करोगे, सिर्फ टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. इज दैट क्लियर? फाइलोजेनेटिक्स जहां आ गए. चलो चलो स्टार्ट करें. Starting at 5, 4, I will give you all my t-shirts, मेरे बच्चों. आपके लिए प्रिंट करवाइए, खत्म हो गई है, सोचिए और प्रिंट करवा दो. डन? आपके लिए प्रिंट कराई. पर बेटा अग्रेसिव मोड, कितने बच्चे, मेरे बच्चे अग्रेसिव मोड में आ गए. 10 दिन में पूरा 11th रिवाइज करने के, 1 पेज नोट्स और एमसीक्यू में. मेरे को अग्रेशन चाहिए क्लास में, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, नीट हमारा है. मुझे अग्रेसिव मोड चाहिए अपनी क्लास में. अग्रेशन, फुल ऑन अग्रेशन. एक भी क्लास मिस नहीं करनी, कुछ भी नहीं. फुल ऑन अग्रेशन, मतलब फुल अग्रेसिव मोड यार. अब तो बेटा रोज 5 बजे पहले नोट्स, उसके बाद ये. यस, कल का टॉपिक मैंने आज ही आपको दे दिया. फुल अग्रेशन मतलब अंदर से आना चाहिए, भाई आग लगा देंगे. यस, तोड़ फोड़ के रख देंगे टाइम. सॉरी, मुझे ऐसे वर्ड्स लेते अच्छा नहीं लगता, बट फुल ऑन अग्रेशन दिखना चाहिए यार आपके अंदर, वो जज्बा. भाई आना है. आज कितने बच्चे लीडर बोर्ड पे आके दिखाएंगे? यस, क्लास 11 को खत्म करेंगे जल्दी. सबसे पहला चैनल होगा, मैं आज डंके की चोट पे कहती हूँ, फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब टू स्टार्ट क्लास 12 और क्लास 11 इज गोइंग टू बी योर चैनल वी बायोटॉनिक. भले मुझे दिन की 5 क्लासें क्यों ना लेनी पड़े. डन? स्टार्ट कर दे. फर्स्ट आपका पूरा 11th रिवाइज होने दो. मैं फुल 11th पहले रिवाइज कराऊंगी, फिर मैं फुल 11th आपको रिवाइज करवाने के बाद पूरा 11th के टेस्ट लूंगी, और फिर मैं आपका क्लास 12 स्टार्ट करवा दूंगी. डन? Revised test 12th start first channel, I promise it to you. Done? 11th class. और 12th वालों, 13th वालों, आपके पास भी गोल्डन मौका होगा दोबारा 12th करने का, वो टॉपिक जो आपके वीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. टैग कर दो बी बायोटॉनिक को हर जगह. थैंक गॉड पेन गिरा है. क्वेश्चन नंबर 1. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज करेक्ट. यार इसमें गलती नहीं. कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल और ऑल ऑफ दीस. गुड क्वेश्चन, स्पीड अप. यस वंश, मुझे फोटो भेज दो. ट्रू मैस्कॉट. Awesome, all of these यार, all of these. सारे ऑप्शन पढ़ के ही जवाब देना है.
Amar has got a photograph of the mascot t-shirt. All organisms from primitive prokaryotes to most advanced and complex eukaryotes are able to sense and respond to environmental factors. Stimulus are perceived by sense organs in higher organisms. Hamare paas eyes, ears, nose, nerve ending hoti hain. Plants do not possess such sense organs. However, they do respond to water, temperature, pollutant. Right? Thigmotropy, thigmonasty, they respond to everything. Well done. Question number two. Which of the following sets does not contain defining characters of living organisms? Not. Not. The word is not. Growth, reproduction, metabolism, response to similar. Lovely questions. Sab kuch humare handmade notes se aa raha hai. No mistakes, Biotonians. No mistakes. Aggression. Please, full on aggression. Biotonians, let's make you the most studious channel on YouTube. Awesome. Awesome. Growth and reproduction. Are you ready to become the most studious channel on Biotonic? On Biotonic on YouTube? And Maniya is also excited, huh? As non-living organisms also grow and many living organisms are unable to reproduce, therefore growth and reproduction are not considered. One moment, full on, full on. Josh, me. Question number three. I inspire. Chalo. Shaikh, beta, ek baar zara phone ka screen thoda bada karke dekho. INC, Indian National Congress. Indian National Congress. Indian National Congress, INC. Machayenge bachcho, ekdam, full on energy. Full on energy chahiye mujhe class mein. Perfecto taxonomy. Yes, machayenge, solid machayenge exam mein. And ek bhi bachcha piche nahi rehna chahiye, full on. Taxonomy is defined as a science dealing with identical and nomenclature and classification. The term taxonomy was given by Kandol, APD, Kandol, extra information, easily explanation, DI 1830. Right? Bilkul kar sakte Vikas. Chalo! Question number four. Speed up, speed up, speed up. Ek ek karke topic khatam karo. Guys, Vani ma'am ne likhwaya hai. Masti mazak nahi karna hai abhi class mein. Full on Josh. No masti, no mazak. Full padhai. Aggression towards padhai. Sir nahi phodna hai kisi ka. Minimum time pe correct answer dena hai. Chalo, chalo, aggression. Show me how much Josh you have to answer correctly. You have to make your parents proud. Come on, full aggression in the class. No mistakes. Not even one. Very good. Very good. Very good. Off hai ki four hai. B. ये aggression में आ गई mentee भी. B answer. B question number 5. Yes, Om, you are visible, my dear child. Wow. कौन-कौन सी name of book थी? Which were the names of the books? मैंने specially बताया था. Of for International Code of Botanical Nomenclature. Excellent. Hey, Systema Planetarium, plants respectively करना है बेटा. क्यों आंखें बंद करके एग्जाम देते हो? Plants, Systema Planetarium, Systema Natura, plants and animals respectively. Species Planetarium and 4326 of animals in his book Systema Natura. Don't channelize your energies in the wrong way, Monica, my dearest mascot. Mentee is working. Code is 9583127 on your screens. Attendance mark kijiye. Become a part of We Biotonic because now this karma will only stop after NEET 2022. Am I right? Yes, am I right? 2022 mascots. Come
correct, incorrect regarding the modern taxonomy. Focus, attention, alertness, aggression, full aggression. Species is considered to be static. How can it be static? It is evolving. In fact, species ke andar inbreeding hota hai. Inbreeding ki wajah se variations aate hain, crossing over hota. So that is the only thing which is evolving. Yes or no? It is constantly evolving. Accuracy, speed, aggression, attack. And accuracy. Yes, bacho, aggression with accuracy chahiye mujhe class mein. Agar aggression hai aur accuracy nahi hai, us book kisi kaam ka aggression nahi hai. Right? Reader board aane wala hai, beta. Aane wala hai. In modern taxonomy, species is considered to be dynamic kyunki wahi par crossing over hone ki wajah se variations ho rahe hain. Question number 7. Aane wala hai. 10th question pe reader board aayega, beta. Incorrect statement bata do. Please, dhyan se padho. Indica, tuberosum, leo, represent specific epithet species hain. Very nice. I'm so proud of you. Phylum Chordata is the largest phylum. Excellent. Good. Phylum Arthropoda is the largest phylum of kingdom Animalia. It includes the largest number of animals with around 900,000 species. I have studied in class mein kam se kam 50,000 baar padha hai. My hand is much better, although it's still hurting. Yes, but that's okay. Chalo, beta. Mujhe speed and accuracy dono chahiye apne mascots se. Done mascots. Vani ma'am is asking you for speed and accuracy. Right, second largest is mollusk, Ashish. You are my true blood mascot. Agla sawal. Botanical gardens mainly serve the purpose of providing what? Why do we have botanical gardens in Dehradun, in Kolkata, in Lucknow? Are they natural? Is it an ex-situ conservation of germplasm? Is it a beautiful area for recreation? Or is it a reservoir for tropical plants? No. What about temperate plants? No temperate plants. Only tropical plants. Think before you ink, please. Please think before you ink. Excellent. Excellent. Ex situ. हमने दुनिया भर से plants को लेकर वहां पर उगाया है. It is in situ is उनके natural condition पे. It is a ex situ conservation. High five. Next question. Guys, hearts. Guys, प्यार. Love back. Yes, botanical gardens mainly serve the purpose of providing ex situ bahar, unke natural habitat se bahar. Plants, animals, to chalo botanical gardens mein kya honge? Rare plants, endangered plant species. Righto, ninth, chalo. Arboretum, arboreal. Monkeys are arboreal because they live on trees. Is that a hint for you? Very nice. Big trees are cultivated in the form of forests.
arboretum, arboreal, trees, forest. आपको पता है शहरों के बीच में arboretums होते हैं. Chandigarh has got two arboretums where they grow trees. They are managed by the forest department. A botanical garden exclusively growing trees and shrubs is called arboretum. Very nice. We come to question number 10. We will have a leaderboard after this. Ma'am ne bola, chalo. That's really nice, Ranjit. If you're in class 10th and you're preparing for NEET, no worries, just keep following our lectures. You'll do fabulously well. Which of the following serves as a quick reference system in taxonomical studies? Museum, zoological parks, herbarium or botanical gardens? Quick reference systems. Jaldi se jaake dekh lo. Such an easy one. Quick reference. Kaun si cheez taiyar baithi hai jahan humne ko chipka ke rakha hua hai? Come on, maine aapko 2016 ka question bhi aaya hua hai. Chalo. Come on, guys. You've got to do well. Aggression in my class. Very nice. Herbarium. No, beta, museum mein jaake reference thoda na karoge. Aapke raat ke 12 baje museum khulwaoge na, na kholo, mereko wo dekhna hai stuffed animal. Right. Herbarium, taxonomical. Aapne koi naya plant dhoonda, aap usko purane plant se jaldi se compare kar sakte ho. Yes, OP. Kitne bache jinke abhi tak sare questions sahi ja rahe hain. Legit lit category ke bache hain wo. Matlab next level lit macha rahe hain bache. Yes, सच में मचा रहे हैं. चलो अगले सवाल. चलो 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 चलो. नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहां पे होता है? बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस कर लो प्लीज. बायो में तो आप मचा रहे हो. नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहां है? सारे करेक्ट दिया, लवली. और बेटा थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करोगे प्लीज? प्रॉमिस करो मुझे. हां जी मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस करेंगे. अग्रेशन के साथ एक प्रॉमिस कर दो हमारी मैम को. कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो. पक्का? ऑसम. नेशनल जूलॉजिकल जू, नेशनल जू दिल्ली में है. बोटानिकल गार्डन, नेशनल जू. इंडियन कैपिटल, नेशनल जू. पक्का? प्रॉमिस. चंद्रिका उधर लाना है. आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में 500% दोगे? मुझे आपके नंबर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी. ठीक है, डन. आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू. नेशनल जू दिल्ली में, जूलॉजिकल गार्डन प्लीज. की, अरे उसकी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? की के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बता दो. पता है आपको? प्लीज ऐसे मत करो. की के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? Very nice, Navira. Bio सिर्फ आपके पास पढ़ती हूँ और पूरा दिन physics and chemistry में लगाती हूँ. Excellent and I'm proud of you. Lead. Couplet के एक-एक चीज़ को क्या कहते हैं? Lead. It leads you. आपको एक bio teacher ढूंढनी है जो tall है. एक tall हो सकती है, एक थोड़ी छोटी हो सकती है. तो tall, ठीक है. आपको एक bio teacher ढूंढनी जिनके लंबे काले सीधे बाल हैं. Yes. तो they are called as leads. चलिए अपने सवाल पे. Key is a taxonomical aid used for identification of plants and animals. Similarities and dissimilarities. The keys are based on contrasting characters in a pair. Pair wali characters ko kya kehte hain? Couplet. It represents a choice made between two opposite options, which results in acceptance of only one and rejection of other. Each statement in the key is called a lead. Simple si baat hai na? Chalo. हाफवे मार्क पे पहुंच चुके हैं. फ्लोरल फीचर्स. फ्लावर्स हैव वेरियस कलर्स एंड सेंस. फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विद. फ्लावर्स कैन सेफली बी प्रिजर्व. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव. ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सही अदिति. Reproductive parts. हर किसी के, देखो अगर मैं 9+1 बात करूंगी वो एक में ही होगा. अगर मैं epigynous करूंगी तो कुछ families में होगा. Perigynous करूंगी तो दूसरों में होगा. Hypogynous करूंगी तो तीसरे. तो you know it is, it's very conservative. Did you get that? Floral features are used to identify because reproductive parts. देखो फूल तो सब में होंगे, रंग भी सब में होंगे, smell भी सब में होगी. अब सूंघ सूंघ के, नहीं नहीं ये smell अलग है.
It is the reproductive parts which give you. Yes? 14th. कहा गया हमारा लीडर बोर्ड सिस्टमैटिक्स बीमारी मैम ने आपको लिखवाया है अग्रेसिव अग्रेशन अग्रेशन बट अग्रेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए बेटा विदाउट एक्यूरेसी अग्रेशन किसी काम का नहीं किसी को पीटना थोड़ना है अग्रेसिव बन के किसी की पिटाई थोड़ना करनी है जल्दी आंसर करना है क्लास को टाइम पे लगाना है Very nice. The term systematics refers to diversity of kinds of organisms and their relationships. What is the diversity? What do the relationships do they have? You remember I told you a word called phylogenetics? Just about 20 minutes ago, how many of you remember evolutionary relationship? Sach batao, please, jhoot nahi. Do you remember 15 minutes ago I told you a word called phylogenetics? Exactly, Ashish. Relationship. It's a study of diversity of organisms and all comparative and evolutionary relationships. जहाँ पे उनके relationship की study आ गई, उसको systematics बोलते हैं. 15th question, last 10 questions बचेंगे. चलो आगे बढ़ें. Couplet represents a choice between two opposite options, which results in couplet में दोनों reject. छोड़ो जी couple है Valentine's Day time. निकालो बाहर. Acceptance of both the options. Either acceptance or rejection of both. Acceptance of only one, rejection of other. Chalo. Main koi aisa geet gaao ki aarzu jagao agar tum kaho. Very nice. Give me a high five moment. Couplet represents a choice made between two opposite options which result in acceptance of one. Ek accept ho jayega, ek hat jayega. Hai na? Pakka, promise? Mujhe ek cheez nahi chahiye. Can I ask you for something? Maine guru dakshina doge? Promise? Deni padegi? Indian culture hai bhai. Bina guru dakshina ke kuch nahi hota. Pakka! Maangli wali ma'am guru dakshina aapse. Mana to nahi karoge? Man, aise kaise ma'am? Abhi tak to kamana bhi shuru nahi kiya hai. Ma'am. Mujhe aisa nahi chahiye. मतलब मुझे ये चाहिए ये आप 95, 96, 97 जहां आपका मन करे वहां तक ले जाओ वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस बट इसके आगे प्लस 10 करना पड़ेगा तो ये 100 हो जाएगा इसके आगे भी प्लस 10 करना पड़ेगा राइट इसके आगे प्लस 7 हो सकता है Guys, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी हमारी क्लासेस ज्वाइन करी है हाय रे अदिति जान नहीं चाहिए यहाँ पे प्लस टेन कर दो जीरो है ना प्लस टेन कर दो बन जाएगा 100 ये भी जीरो है ना क्या लिख रही हूँ प्लस टेन कर दो पक्का प्रॉमिस ये नहीं चाहिए यार मुझे मतलब ये तो दिल टूट जाएगा यार ऐसा हो जाएगा मेरे साथ टुइंग 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 Twing, 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 twing. Yes, please, promise. Pakka promise. पढ़ दो physics chemistry पे ध्यान दे दो जहां मर्जी से पढ़ो कहीं भी जाओ कैसे भी जाओ रात दिन पढ़ो कोई जादू टोना करो कुछ भी करो मतलब कुछ भी कर लो Yes. मतलब मुझे नहीं पता यार कोई कुछ भी करो टोटका शोटका लगा रहो नींबू मिर्ची यूज करो नींबू मिर्ची गैंग हो गया आप पूरे पर फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम मतलब बढ़िया से पढ़ लो ठीक है मुझे हाँ आ गया यस वही एमोजी बना ली थी मैं एग्जैक्टली वही एमोजी बना ली थी यस वो एमोजी मुझे मतलब मुझे अच्छा मुझे ये वाली एमोजी बनानी है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे ये वाली एमोजी अब कोई टीचर को देख लेगा कॉन्टेक्स्ट के बिना तो कहेगा देख लो टीचर कैसे कैसे काम करते हैं मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं देख पाएगा ना अगर सिर्फ इतना सा ही वीडियो किसी ने देख लिया ये वेदांत का टीचर दिल में दिल बना रहे क्लास में यस ये कुछ काम वाम नहीं करते दिल विल बनाते रहते हैं बस क्योंकि बच्चों के लिए दिल विल बनाते हैं
बिना कॉन्टेक्स्ट के देखेगा तो यार ये टीचर. The term new systematics was given by Julian Huxley. बहुत important है. Collectors of plants collected through different branches of science are considered example ecology. कि soil में उगते edaphic factors होते, physiology working, biochemistry of the plant, cytology, cellular level of the plant and genetics. अगला सवाल. 17. A duplicate of nomenclature type is termed by a taxonomist as. वाह क्वेश्चन वाह क्वेश्चन वाह क्वेश्चन. चलो ये आंसर करके दिखाओ. चलो बायोटोनियर्स किस खेत की मूली खा के आए हैं आज. राइट ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अ स्पेसिमन ऑन विच ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जिसपे किया था सबसे पहले जिस स्पेसिमन पे डिस्क्राइब किया था होलो टाइप क्या कहलाता है होलो कंप्लीट ओरिजिनल जिसपे सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था. इज दैट क्लियर. राइट जब हमारे पास होलोटाइप नहीं था उससे मिलता जुलता जब मेरे पास होलोटाइप नहीं था टू और मोर स्पेसिमेंस जो और एनी वन और टू मोर स्पेसिमेंस क्या ऐसा हो सकता है ऐसा दिखता है. अब मेरे पास ओरिजिनल नहीं है दैट इज कॉल्ड द सिन टाइप. सिन वैसा सिन टाइप जब मेरे पास होलोटाइप नहीं था उसके उसके मिलता जुलता जब कोई स्पेसिमन जो ओरिजिनल स्पेसिमन है होलोटाइप. अगर मेरे पास होलोटाइप नहीं मैंने क्रॉस बना दिया होलोटाइप पे उससे मिलता जुलता ही नहीं वन और टू सिमिलर वंस विच वर यूज्ड. राइट इज दैट क्लियर. जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गए होलोटाइप मेरा डिस्ट्रॉय हो गया किसी तरह तो जब मैं अब जो यूज करूंगी उसको कहूंगी न्यू टाइप नया स्पेसिमन. जब मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया व्हेन द स्पेसिमन जो ओरिजिनल टाइप है वो डिस्ट्रॉय हो गया जो न्यू दूंगी. इज दैट क्लियर. एक और ऑथर के पास ऑथर कुछ डिस्क्राइब कर रहा है होलोटाइप के अलावा अपार्ट फ्रॉम होलोटाइप समथिंग एल्स होलोटाइप के अलावा कुछ और पैराटाइप. राइट पैराटाइप और होलोटाइप का डुप्लीकेट आइसोटाइप. राइट ये ऑथर के पास अपार्ट फ्रॉम होलोटाइप होलोटाइप के अलावा अपार्ट फ्रॉम होलोटाइप ऑथर के पास कुछ और रहेगा पैराटाइप नया वाला न्यूटाइप मिलता जुलता सिन टाइप. डन मैंने लिखा भी हुआ है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा स्टेथोस्कोप गैंग तैयार है पक्का तैयार है मेरा स्टेथोस्कोप गैंग. यस मैस्कॉट्स मेरे स्टेथोस्कोप गैंग आपका नाम कोई आर्मी शार्मी नहीं है आज से आपका नाम है मेरा स्टेथोस्कोप गैंग. डन होलोटाइप ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज सिन टाइप जब होलोटाइप नहीं था ऑथर ने और कौन से नाम लिए होलोटाइप नहीं है डिस्ट्रॉय हो गया है फिर क्या नाम लेगा नियोटाइप अदर देन होलोटाइप पैराटाइप डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप आइसोटाइप. चल 18th कम ऑन स्टेथोस्कोप गैंग. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउसफ्लाइज इनकरेक्टली मैच्ड. आहा गुड क्वेश्चन. जीनस फैमिली ऑर्डर इन क्लास ऑर्डर प्राइमेटा. आह आह स्टेथोस्कोप गैंग एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्या. यस एब्सोल्युटली स्टेथोस्कोप गैंग जिंदाबाद. चलिए 5 मिनट्स मोर ऑन फुल अग्रेशन. एक्सेलेंट ऑर्डर प्राइमेट कैसे हो सकती है मक्खी भाई डिप्टेरन्स हैं प्राइमेट्स कैसे हो सकती है मक्खी मतलब कुछ भी मक्खी है तो मतलब कुछ भी. लास्ट 5 क्वेश्चन भी आने वाले. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस. जीनस का करेक्ट एग्जांपल कौन दिखा रहा है. पोटैटो टोमैटो ब्रिंजल सोलानम ट्यूबरोसम वाला सोलानम जीनस मंकी गोरिल्ला गिबन जीनस ममेलिया है. वाह 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 वाह
La 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 la. Very well done. Right? मैंने थोड़ा सा लीक कर दिया था कि सोलानम ट्यूबरोसम सोलानम जीनस है. Right, Panther Leo. Yes. पेड़ आम के पेड़ पे चढ़ गया, एक ही बना लिया उसको हमने. Potato, tomato, brinjal are the three different species but all belong to the genus Solanum. Genus are related species. Panthera leo, Panthera tigris. Question number 20th. स्पीड बढ़ाइए मेरे बच्चों और हो जाए यार आज तो मतलब प्यार उभर के आ जाए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब के बेसिस पे कि एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब हो जाए आज तो क्लास में. आल्या थन्मय ध्रुवी हाउ आर यू बेटा. चलो की किसने मनाई थी. जॉन रे, ये नाम कितनी बार आया हुआ है. जॉन रे कितनी बार ये नाम आया हुआ है. प्यार से याद रखना ठीक है. जॉन रे हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम प्लीज लिखो. अच्छा बेटा ये एक्सप्लेनेशन मजाक के लिए नहीं, मैंने बड़ा मजा आ रहा है एक्सप्लेनेशन. हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम बुक आएगा, जॉन रे ने लिखा था. प्लीज डोंट थिंक मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है. एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन. स्टेथोस्कोप गैंग, कम ऑन स्टेथोस्कोप गैंग. This is your, ये आपका वो है logo, stethoscope gang. Yes, modern. The key is a device used by biologists to identify unknown organisms on the basis of similarities and dissimilarities. Systematics किस पे rely करती है? Keys. Whether they have discovered a new organism or not, कि कोई नया नया बनता जा रहा है या नहीं. ठीक है चले last 5 questions, stethoscope gang. Ready? पक्का? लास्ट 5 क्वेश्चंस के लिए चलो फिर प्रेजेंट कर लेते हैं. अगला एक और सवाल करते हैं. 21st मेरे प्यारे स्टेथोस्कोप गैंग, आपने अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में खूब जान लगानी है. एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम, मैंने आपको दिखाया था वो नीचे करके, कैरेक्टर्स बढ़ेंगे कि इंक्रीज होंगे कॉमन कैरेक्टर्स. चलो बताओ. बढ़ेंगे कि कम होंगे बता दो बच्चों. आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा. चलो यू द बेस्ट इन द कंट्री, लेट मी टेल यू, आप ही बताएंगे. विल डिक्रीज, यस द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज. एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन दे विल डिक्रीज, दे विल इंक्रीज. डाउन टू अप दे विल. The trinomial nomenclature gorilla, चाहिए कहाँ से gorilla gorilla gorilla. चलो, like rattus rattus 22nd. चलो, waiting for you to answer. Animal with the same gen. अरे, sorry मानी मैम, ने ना answer leak कर दिया. Rabbit, elephant, man, gorilla. Homus, homus, homus. ये कुछ है जिन्होंने देख सुन के भी गलती की, मतलब क्या ही करूं मैं अभी तुम लोगों का. पिट्टी खाओगे. एंगर एंड प्रांटल बहुत आता है. एंगर एंड प्रांटल पब्लिश्ड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच इज अ मोनोग्राफ. जेनेरा प्लैनेटेरियम, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम, डाई नेचुरल इचिन प्रेवेलेंस इन ओरिजिनल स्पीशीज. जर्मन एंगोशाइट. चलो मुझे बड़ी फील आई थी. बताओ आपको पता है पिछले साल
कि लास्ट ईयर की मेरे पास डबल डिजिट की छुट्टियां बची हैं. दैट मींस मैंने लास्ट ईयर छुट्टी नहीं ली, डबल डिजिट की मेरी छुट्टियां बची हैं वेदांतों से. अब मैं सोच रही हूँ कि चुनो मुनो गैंग्स को बाय बोल के मैं थोड़ा पार्टी वार्टी करके आऊँ. इस साल की तो छोड़ो, लास्ट ईयर की. और मुझे बोला मार्च अप्रैल से पहले खत्म कर दो, वरना मानी मैम अप्रैल के बाद आप उन छुट्टियों को नहीं ले सकते. सोच रही था वैसे ऐसे मुँह नहीं छुपाते अपना. यस, कोई देख रहा होता तो ऐसे यस डबल डिजिट की छुट्टियाँ, पर नहीं डोंट वरी. यस कोई कोई कहीं नहीं जा रहा, वानी मैम कहीं नहीं जा रही. यस डोंट वरी. पर गाइस आपने मेरा एक काम करना है, आपको पता है क्या काम करना है? पता है ना आपको? +10 100%. यस प्रॉमिस कर दो, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में आने वाले. प्रॉमिस पक्का? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस. यस लोगों की नेगेटिव में छुट्टियां चल रही है, मतलब वानी मैम की तो ऐसे सुपर पॉजिटिव में छुट्टियां चल रही है. ओके रेगुलर क्लासेस में आ जाइए, चॉइस आपकी है, जो मन करे वो करो, पढ़ो जहां मर्जी पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो, जिस मर्जी से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो. डन, ये प्रॉमिस करो. जहां भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ते रहो बस. डन प्रॉमिस. यस ये देखो कितना कूल होता है हमारा लीडर बोर्ड, ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली आता है बच्चों के नाम आते हैं कूल. यस ये देखो ऐसे टेस्ट देने वाला, तो मतलब पर पढ़ो यार, कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो. दैट्स द ओनली थिंग राइट, यू हैव टू स्टडी. मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं, पर आपको भी पढ़ाई करनी है बस. ये सारा देख लो ऐसे, मतलब ऐसे आप अपना टाइम टेबल बना लो. केमिस्ट्री के 10-10 15-15 पेपर तो तब जाके केमिस्ट्री इंप्रूव होगी, वरना केमिस्ट्री इंप्रूव नहीं होगी. राइट केमिस्ट्री के पेपर तो अपना स्केड्यूल बनाओ ऐसे, बैक टू बैक 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, बीच में पोमोडोरो डालो, फिर स्लॉट बनाओ, फिर पोमोडोरो, फिर स्लॉट बनाओ, ऐसे मतलब 2-2 3-3 4-4 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, पोमोडोरो स्लॉट, पोमोडोरो स्लॉट, पोमोडोरो. डन दुर्गा बेटा, मैं आपकी टी शर्ट भी सेंड कर दूंगी, टेंशन नॉट. राइट एंड गाइस अगर आपको हमारे से पढ़ना है, आपके पास 3 चीजें हैं, मैं आपको फटाफट बता दूं. कैन आई टेल? कुछ बच्चे हैं जिनको जानना है, जिनको पढ़ना है, उसके बाद मैं फिर लास्ट का क्वेश्चन करा दूंगी. ठीक है, लास्ट 1 मिनट. ओके डन राइट. सो मैं 1 मिनट में बता देती हूँ उन बच्चों को जिनको जानना है, एंड देन आई विल मूव इट. तो बेटा अगर आप हमारे लेक्चर को देखोगे ना, मैं डर गई, चाकू सा भी आ गया लेक्चर के बीच में, इसको कैसे रोकते हैं? तो अगर आप लेक्चर में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें नजर आएंगी. क्रैश कोर्स वीडी प्रो आपको दिख रहा है, एक टेस्ट सीरीज भी है जिसके बारे में मैंने सुबह बात करी थी. लीडर बोर्ड आ रहा है बेटा, लीडर बोर्ड आ रहा है, 2 सेकेंड रुक जाओ. तो एक क्रैश कोर्स 12th वाले बच्चों के लिए, 12th और ड्रॉपर्स के लिए, अगर उनको पढ़ना है, 120 सेशंस में सारी पढ़ाई कराई जाएगी, 20 टेस्ट लिए जाएंगे, 20 और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप टेस्ट भी दे सकते हो और डाउट भी पूछ सकते हो अपार्ट फ्रॉम द 120 सेशंस. यहां पर आपने क्रैश कोर्स के लिए कोड याद रखना है वीडी नीट, एंड इट बिकम्स लेसन प्राइस. अगर आपको लग रहा है आप बेनिफिट कर सकते हो, वानी मैम की तरफ बायो के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. आप बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं. और अगर आप 11th में हो और आपको फील हो रहा है कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक रह गई, आप 1 महीने का ही जो प्रो मेंबरशिप लोगे ना बेटा, उस 1 महीने के ही प्रो मेंबरशिप में आपको, हाँ आप UG20, आपको फुल एक्सेस टू ऑल लाइव क्लासेस मिल जाएगा. राइट इंग्लिश हिंदी के सेपरेट बैचेस और मल्टीपल क्लासेस एक टाइम पे अटेंड कर सकते हो. मेंटी पे मैं आ रही हूँ, आप 1 महीने में 3 या 4 केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 3-4 बहुत सेशंस लगा सकते हो, क्योंकि एट अ टाइम 5-6 क्रैश कोर्सेस, 10-15 लॉन्ग टर्म कोर्सेस, बहुत सारे माइक्रो मॉड्यूलर कोर्स हमारी वेबसाइट पे चलते रहते हैं. राइट मई 2020 तक है, अगर आपको 50% ऑफ लेना है, राइट बहुत अच्छा है दिस इंटायर प्लान, आप एक बार जाकर जरूर देखना बेटा, इट्स वेरी हेल्पफुल. लीडर बोर्ड नहीं बेटा, ये क्वेश्चन भी बचाए कर लेते हैं. चलो आ जाओ लेट्स स्टार्ट. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है. एंग्लर वॉज जर्मन, मैंने आपको जर्मन बोल दिया था, मेरे को लगा मैंने आपको हिंट दे दिया है. हु इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन प्लांट टैक्सोनॉमी, राइट डाई नेचुरल लिचन प्लेफेंस जेन फैमिलियन नेचुरल प्लांट फैमिलीज कार्ल वॉन फ्रैंटल ने मिलकर 23 वॉल्यूम्स में काम किया 1887 से 1915 तक.
And that brings us to the second last question, followed by leaderboard. Chalo. कौन सा करेक्ट वे लिखने का? इंडिका का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, एल का कोई लेना देना नहीं है, लैटिन लैंग्वेज है या लीनियस है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन. गुड सुरति, प्राउड ऑफ यू मुग्धा, पंकज, वांगचोरे, हाउ आर यू भवानी शंकर, सान्या, राघवनियम, वेल डन, इजी क्वेश्चन है. वाह बच्चों, मान गए, एल इज फॉर लिन, लीनियस. देखो मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे कितने बड़े नोट्स बनाए हैं. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जहां पर दो नाम दिए जाते हैं. फर्स्ट पार्ट आपका हमेशा जीनस होता है, फर्स्ट लेटर जीनस की कैपिटल होती है, जीनस की कैपिटल होती है. सेकेंड पार्ट स्पीशीज होता है, इट इज रिटन इन स्मॉल फॉर्म, स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है. स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो वर्ड होता है वो डिस्कवरर का होता है. रोमन स्क्रिप्ट में ऑथर का नाम रखा जाता है. इज दैट क्लियर? राइट. लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज इसलिए यूज किया था, लैटिन लैंग्वेज इज डेड, देयरफॉर इट विल नॉट चेंज इन फॉर्म और स्पेलिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. Is that clear? Tamarindus magnifera, the names of tamarind and mango, where indica denotes a specific name of both tamarind and mango. Linnaeus, swish. ठीक है, चल. Last question. Hi, Har, Bibi, Hajra, how are you? Photosynthesis किसका example है? All correct हो? Photosynthesis is an example of what? Oh, lovely. Anabolic, endergonic, both of them, beta. Both, ये तो कितना यार, मतलब लल्लू क्वेश्चन में जो गलती करेगा ना, वो भी इसीलिए गलती करते हो क्योंकि ना पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते हो. श्रीलता यार, आप तो मतलब you have my heart. दुर्गा, टी शर्ट भेज देती जल्दी. सास्वता, आक्षी, पलक, युविका, खुश शर्मा, एक सेकेंड, आई वॉन्ट रीड एवरीबडीज नेम्स, वन सेकेंड चिल्ड्रन. ओके, पंकज मिश्रा जी, आपको भी भिजवा देती हूँ. रितेश, आई विल, खुश, युविका, शौर्य, पलक, आक्षी, सास्वता, दुर्गा, श्रीलता. मान गए गाइस, यू गाइस आर फिनोमिनल. ऑसम से भी ब्लॉसम से भी ऑसम से भी ब्लॉसम. प्राउड ऑफ यू, सुपर अमेजिंग. आज की क्लास कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा. यार आप लोगों ने ना दिल तोड़ दिया, मतलब प्यार नहीं भेजा यार. गाइज, वन लाइक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ बिफोर यू गो. टेल मी हाउ वाज इट, वन पेज नोट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन, कैसे लगे प्लीज नोट्स में लिख के बताइएगा. कल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे. टाटा, सी यू, बाय. एंड शाम को बोर्ड वाली क्लास है, अपने सारे स्कूल के ग्रुप्स में डाल दो कि आज बायोटॉनिक में बोर्ड क्लासेस का लॉन्च होने वाला है. Bye. See you.